हाय एवरीवन, इंडिकेशन का ये दूसरा वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है, यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस टू इंटीग्रेट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x प्लस 5 टू द पावर 6। देखो, ये जो मेथड बता रहे हैं ना, इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 4x प्लस 5 6 dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। देन लेट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, देन इसको हमने t मान लिया, इसका x के रेस्पेक्ट में हमने क्या करा, डिफरेंशियल कर दिया, प्लस 0 dx बराबर dt, देन वी कैन से 4dx बराबर dt। यहाँ पर आपको मैं एक बात समझाता हूँ, 4 एज इट इज x का डिफरेंशियल 1, कॉन्स्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशियल होता है 0 होता है, किसके रेस्पेक्ट में गया, इधर dx के रेस्पेक्ट में गिरा, और इसके यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में गया, t के रेस्पेक्ट में गिरा, तो dt हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा और dt हो जाएगा, तो 4dx बराबर dt। यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाई 4, देन i इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 4x प्लस 5 की जगह हम लिख देते हैं t टू द पावर 6 dt बाई 4, देन 1 अपॉन 4 t 6 dt और 1 बाई 4 टी ए 7 अपॉन 7 प्लस सी, यह आ जाएगा टी ए 7 अपॉन 28 प्लस सी, और टी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4x प्लस 5 टू द पावर 6 अपॉन 28 प्लस सी। मैं इस पर आपसे एक मिनट और बात करना चाह रहा हूँ, आप इसको समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, 4x प्लस 5 को हम टी मान लेते हैं, 4x का 1 प्लस 5 0 डिफरेंशियल, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल 0 होता है, dx बराबर dt, 4dx बराबर dt, तो dx बराबर dt by 4, t की पावर 6 dt by 4, 1 by 4 t 6, then t 7 upon 7। ये आप पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं कि t की पावर 6 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 6 में मैं प्लस 1 कर दूंगा अपॉन 7 प्लस c। अब इसको मैं शॉर्ट मेथड में समझा रहा हूँ, वो आप समझें शॉर्ट मेथड। अब आगे के जो ये क्वेश्चन आएंगे जितने भी, उसमें मैं शॉर्ट मेथड यूज में लूंगा। ये एक मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया, ये मेथड आपके समझ में होगा। डायरेक्ट आप 4x प्लस 5 6 dx इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, तो यह जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, और जो 4 का x का जo कोफिशियंट है उसका हमेशा डिवाइड होता है, x का कोफिशियंट इधर 4 है। देखो यहाँ पर x टू द पावर n के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। x का कोफिशिएंट 3 होता तो 3 से डिवाइड कर देते, x का कोफिशिएंट 10 है तो हम किससे डिवाइड कर देते, 10 से, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5 7, और 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 4x प्लस 5 टू द 7 पावर 7 अपॉन 28 प्लस सी, और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो आप क्यों ना इसको डायरेक्ट ही कर लेना, 4x प्लस 5 की पावर 6 है तो 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, और 4 का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 7 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 28 आ जाएगा, 4x प्लस 5 की पावर 7 आ जाएगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। देखो, पिछला क्वेश्चन तो हमने शॉर्ट मेथड से भी कर दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 11, ये दोनों मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रतिस्थापन बोलते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर या एक्स की जो टर्म्स है उसको टी में कन्वर्ट कर देते हैं, या किसी अन्य वेरिएबल टर्म्स में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, तो इसका मेथड है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। ऐसे क्वेश्चन जब ईजी होते हैं जब उनके साथ किसी न किसी स्टेप का डिफरेंशियल जो है हमको दे रखा होता है, और डिफरेंशियल के मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिफरेंशियल के लिए आपकी बात करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, ये डिफरेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर की जब मैं बात करता हूँ तो यह जगह टू एक्स की पावर टू माइनस वन। देखो, मैं एन माइनस वन को फॉलो कर रहा हूँ तो टू एक्स इसका जो है आंसर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर फोर है तो फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 है तो 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1
5x4 हो जाएगा। देखो जबकि इंटीग्रेशन में क्या था, x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c था। समझो आप कंपैरिजन से दोनों बातें आपके समझ में आ जाएंगी। इंटीग्रेशन में पावर हमेशा प्लस 1 होती है, जबकि डिफरेंशियल में जो है पावर जो है माइनस में होती है। आपको बताऊँ जो इंटीग्रेशन का जो सेकंड नाम है वो एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है। जो डिफरेंशियल करते हैं उसकी जो आंसर आता है उसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास वही आंसर आ जाता है। तो कई बार ऑप्शन में इंटीग्रेशन टफ होता है, तो कई बार ऑप्शन का डिफरेंशियल करने पर भी हमारे पास आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, एन शुरू में हो जाएगा और एन माइनस वन हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम टी मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x मैं बता चुका हूं आपको, और किसके रेस्पेक्ट में dx, और जो 4 है 4 का हो जाएगा 0, 4 का 0, कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशियल होता है d अपॉन dx, कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 0, तो 4 का 0 हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में क्या, x के रेस्पेक्ट में, तो dx लगा दीजिए, t का 1 और इसका हो जाएगा dt, तो आपके पास आया 2x dx बराबर dt, एंड एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास, डी टी अपॉन 2। देन ये आपका सब्सटीट्यूशन फॉर्मूला, मतलब सब्सटीट्यूशन स्टेप आ गई। एक्स डी एक्स को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे डी टी बाई 2 से, तो डी टी बाई 2 आपके पास आ गया। और यहाँ पर आपने इसको क्या माना था, टी माना था, तो आपके पास नॉर्मली टी की पावर 5 आ गया, टी की पावर 5 इसको आपने टी माना था। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 1/2 टी की पावर 5 डी टी आया हमारे पास, और 1/2 जब मैं इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू लगाता हूँ तो 5 + 1/5 + 1 + c, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 t6/6 + c, और ये आ जाएगा t6/12 + c, और t की वैल्यू आप रख दीजिए, t की वैल्यू आपके पास क्या है, t की वैल्यू आपके पास है x² + 4 की पावर 6/12 + c। इस तरह से सब्सटीट्यूशन फॉर्मूले से या सब्सटीट्यूशन रूल से हम जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो थोड़े से टफ हैं। एक बार इस क्वेश्चन को और देखें, जब आपको 9 का थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो आपको 11 का भी समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x² / x³ + 3² यहाँ पर इसने क्यूब दे रखा है, 100% क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। तो लेट x³ + 3 को हम मान लेते हैं t, देन x³ का जो हम डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 0, 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट dx/dt, आप जानते हो t का dt हो जाएगा 3x², तो x² dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dt/3, देन i की वैल्यू कितनी आएगी, 8 dt/3 अपॉन t²। देखो हमने पूरा का पूरा x की वैल्यू को t में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आप समझे x³ + 3 को हमने t मान लिया है, ये 3x² dx/dt आ जाएगा, x² dx की वैल्यू dt/3 आ जाएगी, तो x² dx ही तो मुझे चाहिए था, dt/3 आ गया, इधर 8 ऑलरेडी है ही, और इसको हमने t माना था तो नीचे t का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8/3 t²-2dt। आप समझें इसको, क्योंकि 8/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर आ जाएगा, ये t²-2dt, और ये आ जाएगा 8/3 t²-2+1/(-2+1+c), तो ये आ जाएगा माइनस का 8/3, बिकॉज -2 + 1 - 1 हो जाएगा t²-1+c माइनस का 8/3 1/t + c, और t³ + 3 हमने यहाँ पर t की वैल्यू रख दी है -8/3 x³ + 3 और प्लस सी, तो ये हमारा क्या जाएगा, सब्सटीट्यूशन फॉर्मूले से या सब्सटीट्यूशन मेथड से हम जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साथ में डिफरेंशियल की भी हमारी थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल सा है, x + a की पावर n दे रखा है, तो इसमें सब्सटीट्यूशन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है। तो x + a की पावर n + 1/(n+1+c), ठीक है। अब जैसे मान लो अदर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो x + a की पावर आपको दे रखी है 4dx, तो आप सीधा सीधा x + a की पावर 4+1/(4+1+c), तो x + a की पावर 5/5+c, ठीक है।
और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो इधर देखा आपको 4x + 9 की पावर 3 आपको दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 4x + 9 / 3 + 1 / 3 + 1। लेकिन 4 का जो कोफिशियंट है वो 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो डिफरेंशियल में हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, जबकि इंटीग्रेशन में हमेशा क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 4x + 9 / 4 / 4 + c, ये 4 तो इस कोफिशियंट के कारण आया है और ये 4 3 + 1 के कारण आया है। तो हमारा 4x + 9 / 4 / 16 + c, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे शेयर करना। थैंक यू।